हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेड्स रूल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जनरली देखेंगे इस रूल के बारे में कि ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, ओके, कौन से सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, और थोड़ी बहुत ही हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ये रूल समझने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रूल कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे, ओके, अगर ये ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिया जाएगा, ओके, और ये जो कार्बन्स होंगे यहां पे, ये जो कार्बन्स होंगे इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स, या ब्रिज्ड पोजीशन कह सकते हैं। ओके, ये ब्रिज हेड कार्बन्स है, ब्रिज हेड कार्बन्स, ओके। तो उसने बोला है कि, और ये जो सिस्टम है ना, इसका नाम है हमारे पास नॉरबोरेन सिस्टम। ये सिस्टम हमारे पास नॉरबोरेन सिस्टम, जिसमें क्या है, 7 कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, तो ऐसा कुछ सिस्टम जहां पे हमारे पास 7 कार्बन हो, ओके, और ये जो सिस्टम है ये हमारे पास है बाईसाइक्लिक सिस्टम, ऐसे। ओके, अगर ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है, डेट इज नॉरबोरेन सिस्टम दे रखा है, और यहां पे जो हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, ओके, तो इसे रूल के अकॉर्डिंग इसने ये बोला कि यहां पे पाई बॉन्ड, ओके, और ना ही कार्बुक टाइम स्टेबल हो सकता है, किसके, यहां पे ब्रिज हेड पोजीशंस पे। मतलब यहां पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके, एक यहां पे, ये ऐसे, ओके। तो अगर ये ऐसा सिस्टम दे रखा, उसने बोला कि ये जो हमारे पास ब्रिज्ड पोजीशंस हैं, जहां पे ब्रिजिंग हेड कार्बन है हमारे पास, यहां पे क्या है, ना तो पाई बॉन्ड्स ऐसे, ओके, और ना ही कार्बोकैटायन ऐसे स्टेबल हो सकता है, कि मतलब अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब ऐसे, और अगर यहां पे डबल बॉन्ड, मतलब इस तरफ हो या इस तरफ हो, ऐसे कुछ हो, या इस तरफ, मतलब यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यहां पे अगर पाई बॉन्ड हो, तो वो स्टेबल नहीं होता सिस्टम, और ये रूल बताता है ब्रेड्स रूल। ओके, अब तो मैंने ये स्टेटमेंट बता दी कि हमारे पास, उसने बोला कि यहां पे ब्रिज्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं हो सकता। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है, जैसे देखो, अगर ये सिस्टम हमारे पास CH3 पॉजिटिव, ओके, कार्बोकैटायन, सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन मैंने लिया मिथाइल वाला, आपको पता है इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, ओके, आपको ऑलरेडी पता है sp2 होती है हाइब्रिडेशन, ओके, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके इसके इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होगा, डेट इज बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ओके। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, कि मतलब सभी हमारे पास जो एटम्स होते हैं सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, और उनमें क्या होता है, 120 डिग्री होता है एंगल, ओके, मतलब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, ओके। तो यहां पे उसने बोला कि अगर हमारे पास ये नॉरबोरेन सिस्टम आता और यहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा, तो क्या होगा, यहां पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, ओके, तो यहां पे इसकी जो हाइब्रिडेशन थी वो होनी चाहिए थी sp2, बट यहां पे sp2 नहीं होती, मतलब यहां पे जो हमारे पास एंगल होता है वो 120 डिग्री नहीं होता, मतलब जो एंगल होता है वो 120 डिग्री से कम ही होता है, मतलब इस पोजीशन पे जो हम कह सकते हो कि जो हमारे पास इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, यहां पे 120 डिग्री से छोटा होता है, ओके, हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री से कम होता है, ओके। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो जितने भी बॉन्ड्स होंगे यहां पे, ये जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सभी एक प्लेन में तो होंगे नहीं, प्लेन में तभी होते ना अगर यहां पे 120 डिग्री एंगल होता, ओके, बट यहां पे इस पोजीशन पे 120 डिग्री एंगल नहीं होता, तो सभी जो बॉन्ड्स होंगे, जो सभी एटम्स होंगे, सभी कार्बन्स, वो सेम प्लेन में नहीं लाई करेंगे, अगर नहीं लाई करेंगे तो यहां पे कोई भी क्या होगी, कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं होगी, तो अगर कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं होगी तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, तो ये अनस्टेबल ही रहेगा, तो ये दोनों ही सिस्टम हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है, ओके। तो ये थी स्टेटमेंट। अब ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना नॉरबोरेन सिस्टम का, ये कुछ ऐसा होता है जैसे बुक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे, ये फॉर एग्जाम्पल बुक है, ओके, तो बुक ऐसे ही होती ना हमारे पास ऐसे, ठीक है, तो यहां पे ऐसे बुक होती है, तो मतलब बुक की, मतलब जो बुक होती है ना वो अगर हमने उल्टी रखी है, मतलब ऐसे, जैसे जो हमारे पास हट की शेप नहीं होती ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ शेप होती है, तो 120 डिग्री एंगल कम ही होता है यहां पे, ओके। तो ऐसा ही ये स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास ये चीजें है ना, ये वाली, ये ऐसे, मतलब ऐसे बेंट होती है नीचे की तरफ, मतलब जो हमारे पास क्राउडनेस आती है वो नीचे की तरफ होती है, ओके, और हमारे मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस नीचे की तरफ होती है, ऊपर प्लेनर सिस्टम होता है ऐसे, मतलब अगर किसी ने भी हमारे पास
कोई भी न्यूक्लियोफिल अगर अटैक करना चाहेगा तो ऊपर से इजिली से अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे इस स्टेटमेंट को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है, फिर हमने नॉरबरन सिस्टम कंसिडर किया। ओके, और यहां पे इसके साथ अटैच्ड हमारे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन है। ओके, और यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे बीआर है, और यहां पे एच, और यहां पे भी एच है। ओके, अब इसको हमने ट्रीट कराया सोडियम इथोक्साइड से, NaOET। ओके, यहां पे ये चीज है और ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस, ये बेस होता है आपको, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारे पास। ओके, यहां पे हमने सोलवेंट लिया इथेनॉल। ओके, और यहां पे हमने टेम्परेचर रखा 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर ऐसा कुछ दे रखा हो ना जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो और वहां पे हाई टेम्परेचर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो यहां पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आपने याद रखना कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रखा है, ओके, और वहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि एलिमिनेशन हमेशा होगी ही होगी। ओके, तो अब क्या होगा, यहां से ये लीविंग ग्रुप है तो लीविंग ग्रुप फटैक से निकलेगा। ओके, तो यहां पे क्या आएगा, ये चीज बनेगी, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन। ओके, अब यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, अगर ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दे, मतलब हाइपर कंजुगेशन अगर हो, तो क्या आएगा हमारे पास, ऐसे सिस्टम बनेगा। ठीक है, वे जस्ट मैं रफली बना के दिखा रहा हूं, आप अच्छे तरीके से बनाना इसको। ओके, यहां पे हाइड्रोजन ऐसे, अब ये इसने अपनी इलेक्ट्रॉन यहां पे दिए, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, ऐसे ये बन गया डबल बॉन्ड। ओके, और यहां पे ऐसे हाइड्रोजन, अभी एक सिस्टम बन सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये वाला हाइड्रोजन ऐसे आ सकते, ओके, अगर ये हाइड्रोजन ऐसे आएगा, यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, तो हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, हमारे पास दूसरी चांस बनेगा प्रोडक्ट का, ऐसे ये ऐसे, और यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये ऐसे हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहां पे हाइड्रोजन ऐसे। ओके, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो अगर देखा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा बनेगा छेद जल्दी से, ओके, तो वो हमें कौन बताता है, ब्रेड्स रूल। तो अभी मैंने बोला कि अगर हमारे पास ब्रिज्ड पोजीशन पे पाई बॉन्ड हो तो वो अनस्टेबल होती है, मतलब वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ओके, तो यहां पे देखो ये ब्रिज्ड हेड, क्या हमारे पास कार्बन है, यहां पे पाई बॉन्ड बना। ओके, बट अगर यहां पे देखें, यहां पे ब्रिज हेड कार्बन है और इसके दूसरी एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाया से। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड बना, तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो जो स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट बनता है, तो ये हमारे पास 100% बनेगा और ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, और ये हमारे पास 0%, ये बनेगा ही नहीं क्योंकि ये अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ओके, तो ऐसे हमने चेक करना है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, आपको और क्लैरिफाई होगा। ओके, और क्लियर होंगी चीजें इसके बारे में। तो यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यहां पे आपने बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, यहां पे मैं आपको 3 सिस्टम दूंगा और आपने बताना कि मोस्ट एसिडिक कौन है और लीस्ट एसिडिक कौन है। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पे सिस्टम कंसिडर किया ये वाला, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था पहले भी। ओके, ये सिस्टम हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल ए सिस्टम है। ओके, इसका नाम ए है। दूसरा हमारे पास सिस्टम ऐसे कुछ, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे ओ, यहां पे नेगेटिव हो गया, और यहां पे ये अटैच्ड ऐसे। ओके, ये बी हो गया, दूसरा सी, लास्ट लेते हैं थर्ड, हमारे पास ये सिस्टम है नॉरबरन वाला, ये ऐसे। ओके, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सी। तो हमने बताना कि इसमें से मोस्ट एसिडिक और लीस्ट कौन एसिडिक, मतलब ऑर्डर बताना। ओके, ओके, मतलब सबसे आगे कौन होगा। अब देखो एसिडिटी मतलब जो होती है, मतलब वही
कंपाउंड की ज्यादा होती है जिसमें कॉन्जुगेशन हो। मैंने पहले भी पढ़ा के रखा होगा ना ये कंसेप्ट कि हमारे पास ये सिस्टम अवेलेबल है। ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, स्टेबल होना चाहता है। कैसे होगा, अगर कॉन्जुगेशन होगी, अगर मैक्सिमम कॉन्जुगेशन आएगी तो ये नेगेटिव चार्ज उतनी जल्दी खत्म होगा और हमारे पास क्या है, सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा सिस्टम उतना ज्यादा वो सिस्टम क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, तो यहां पे देखो अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की, तो यहां पे कॉन्जुगेशन हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है। ओके, ये ऐसे भी जा सकता है और ये ऐसे। तो यहां पे मैंने पढ़ाया था जब कॉन्जुगेशन, तो मैंने यहां पे बताया था कि यहां पे अगर हमारे पास दो वे से कॉन्जुगेशन अवेलेबल हो, ओके, दो वे से, तो उसको हम बोलते क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहां पे हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा हमारे पास सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, मतलब नेगेटिव चार्ज को ये सिस्टम भी स्टेबल कर रहा है और ये सिस्टम भी स्टेबल कर रहा है कॉन्जुगेशन से। ओके, अब देखो यहां पे हम बात करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके, ये ऐसे और ये ऐसे, तो अगर दोनों में ही ऐसे कॉन्जुगेशन हो रही है तो दोनों स्टेबल होने चाहिए और दोनों ही मोस्ट एसिडिक होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ाया था कि इन दोनों सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है, देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में लिंक्ड नहीं है, बट यहां पे ये दोनों लिंक्ड है। ओके, तो जब ये दो सिस्टम आपस में लिंक्ड होंगे तो वहां पे क्या आता है, रिजिड सिस्टम। तो ये सिस्टम है रिजिड सिस्टम, ये रिजिड सिस्टम है और ये है ओपन सिस्टम। ओके, तो ओपन सिस्टम मैंने बोला था कि जब मैंने एग्जांपल करवाई थी तो मैंने बोला था कि ओपन सिस्टम में क्या होता है कि अगर इस बॉन्ड को हम कांस्टेंट रखें तो इस बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, इसको हम घुमा सकते हैं, तो अगर इसको ये घूम सकता है, ये यहां पे रोटेशन अगर पॉसिबल है तो क्या होगा कि वहां पे जो प्लेनैरिटी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब अगर ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हो गया तो यहां पे ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन की जो ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन हो रही थी, ओवरलैप हो रही थी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब ओवरलैपिंग के लिए, मतलब कॉन्जुगेशन के लिए क्या होना चाहिए कि मतलब सभी एटम्स एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, मतलब प्लेनैरिटी आनी चाहिए। तो अगर ये हमारे पास बॉन्ड ऐसे घूमेगा, रोटेशन होगी पॉसिबल, तो इस ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में ओवरलैप नहीं होगी तो कॉन्जुगेशन भी नहीं होगी, तो यहां पे प्लेनैरिटी क्या है, डिस्टर्ब होगी। यहां पे प्लेनैरिटी क्या है, डिस्टर्ब है, ठीक है। तो अगर प्लेनैरिटी डिस्टर्ब है, मतलब प्लेनैरिटी नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। ओके, तो अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगी हमारे पास तो क्या नहीं होगा, हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो नो स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा। ओके, तो अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो रहा हमारे पास, तो इसी वजह से ये क्या है, इससे बी वाले से लेस एसिडिक है। ओके, और बी वाला क्या है, मोर एसिडिक है। ओके, अगर हम बात करते हैं सी वाले की सिस्टम की, तो ये हमारे पास अभी मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई सिस्टम आता है, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन्स है, और ब्रिज हेड कार्बन्स पे चाहे पॉजिटिव है चाहे डबल बॉन्ड है, वो स्टेबल नहीं होता। ओके, अगर मैं इसको ऐसे करूं, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा ना, और ये ऐसे होगा। ओके, मतलब ऐसे बनेगा ना, ये कॉन्जुगेशन दिखाओ यहां पे, ये ऐसे। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आया, तो यहां पे ओ नेगेटिव और ये ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, दूसरी तरफ भी कर सकते हो कि यहां पे ये नेगेटिव चार्ज यहां पे जाएगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और यहां पे ओ नेगेटिव होगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ओके, तो दो हमारे पास क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे वो दो ज्यादा। ओके, अब देखो यहां पे मैंने बोला कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड तो स्टेबल नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसी वजह से ये क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है। तो यहां पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं है बिल्कुल भी, यहां पे तो थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो रहा था ना इसकी वजह से, यहां पे तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो यहां पे तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो अगर बिल्कुल स्टेबल नहीं है तो क्या है, बिल्कुल भी हमारे पास कॉन्जुगेशन नहीं है, तो अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज नहीं खत्म होगा, तो इसी वजह से क्या है, लीस्ट एसिडिक है। तो ये इन दोनों से भी क्या है, लीस्ट एसिडिक। ओके, तो अगर हमने ऑर्डर लिखना हो तो क्या आएगा, सबसे आगे कौन एसिडिक करेक्टर में आएगा, बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास सी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर हो गया एसिडिटी का, ऐसे हमने चेक करना है। ओके, अब हम और एग्जांपल करते हैं। अब नेक्स्ट है, हमने यहां पे एक क्वेश्चन करना है जिसमें हमने बताना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टाइन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये सिस्टम दे रखा आपको। ओके, और यहां पे ये ऐसे अटैच्ड है, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है हमारे पास, ये ऐसे
और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, और ये ऐसे अटैच्ड है, ओके। अब यहां पे देखो ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहां पे ब्रिज हेड कार्बन है, ओके। अब देखो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ओके। देखो अब हमने बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। अब देखो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा हमें, ओके, तो वही सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें क्या है हमारे पास सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, ओके। ब्रिज हेड कार्बन के बीच में जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा वो सिस्टम क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करें यहां पे ब्रिज हेड कार्बन है, ओके, इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही कार्बन है, ये वाला, ओके। अगर हम बात करें ये वाले सिस्टम की, यहां पे इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में दो कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, ओके। और जितने ज्यादा हमारे पास कार्बन होंगे ब्रिज हेड कार्बन के बीच में उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में, ओके। उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से क्या आता है हमारे पास, स्टेबिलिटी आती है, ओके। तो यहां पे देखो अगर ये ए है और ये बी है, ओके, तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, बी, क्योंकि यहां पर क्या है ये मोर फ्लेक्सीबल है, ये क्या है मोर फ्लेक्सिबल है, क्यों, क्योंकि यहां पे इसके कंपैरिजन में यहां पे दो कार्बन है और यहां पे एक ही कार्बन है, ओके, और ये क्या है लेस फ्लेक्सिबल, ओके। तो आपने आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो मोर एटम्स फिर इक्वल टू जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, दैट इज मोर स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी, और उतनी ज्यादा क्या आएगी स्टेबिलिटी, दैट इज मोर स्टेबिलिटी, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। आपने सिर्फ यही चीज दिमाग में रखनी कि जितनी ज्यादा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ओके। तो ये हमारे पास क्या है मोस्ट स्टेबल और ये क्या है लीस्ट स्टेबल। अब इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें इसमें हमने बताना है रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ओके। यहां पे मैं चार सिस्टम लिखूंगा, ओके, उसमें बताना कि सबसे ज्यादा किसमें डी कार्बोक्सिलेशन रेट फास्ट होगा, कि सबसे जल्दी कौन से फटैक से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसमें जल्दी होगी सिस्टम में, ओके। तो यहां पर क्वेश्चन है रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ओके, आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सीओ टू गैस रिलीज होती है सिस्टम में से, ओके। अब देखो हमारे पास एक तो ये सिस्टम है, सभी मैं नॉरबरेन सिस्टम ही लूंगा, ओके, एक तो हमारे पास ये सिस्टम है ऐसे, ओके, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पे है सीओओएच, ओके, एक ये सिस्टम है डेट इज ए सिस्टम, ओके। दूसरा सिस्टम कंसिडर किया बी, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहां पे है हमारे पास COOH, ओके, ये हो गया बी। सी हम लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ओके, और यहां पे हमारे पास है COOH और ये हो गया हमारे पास सी। नेक्स्ट लास्ट लेते हैं डी, यहां पे फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ओके, और यहां पे हमारे पास COOH और ये हो गया हमारे पास डी। अब हमने बताना है कि इन सभी सिस्टम में से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, ओके, रेट बताना, मतलब ऑर्डर ही बताना। तो देखो अगर ऐसा कुछ आता ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जहां जहां पे हमारे पास जिस पोजीशन पे COOH ग्रुप दे रखा है उसको रिमूव करो और वहां पे नेगेटिव चार्ज लगा दो, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे बनेगा, यहां पर होगा नेगेटिव चार्ज, इसका बनेगा ऐसे, यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस सिस्टम में आएगा यहां पे ऐसे नेगेटिव चार्ज, ओके। तो अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो उसमें क्या है COOH ग्रुप को रिमूव करो और जिस पोजीशन पे लगा उस पर नेगेटिव चार्ज लिख दो, ओके, बना दो। अब यहां पर देखना है जिस मतलब जो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा सिस्टम वही वहां पे भी वहीं पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जल्दी होगी, फास्ट होगी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया अभी, ओके। तो यहां पे देखो जो जहां यहां पे सभी के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, सभी सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज है, जितनी जल्दी से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा खत्म होगा वहां पे स्टेबिलिटी आएगी और वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, ओके।
तो ये ए हो गया, ये बी है, ये सी और ये डी। ओके, ये फोर सिस्टम है। अब देखें हम स्टेबिलिटी देखते हैं। ओके, अब देखो अगर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा तो क्या आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। ओके, इसको ड्रॉ कर लो पहले, ऐसे बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे ओ नेगेटिव, ऐसा बनेगा कुछ। और यहां पे देखो अगर ये ऐसे आया, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे आया, यहां पे ये चीज होगी, ये चीज। ओके, अब नेक्स्ट, सॉरी, यहां पे ओ नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे भी कॉन्जुगेशन आएगी ना ऐसे। ओके, अब इस सिस्टम की बात करते हैं, यहां पे तो कॉन्जुगेशन तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर ये ऐसे जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड तो बनेगा, बट यहां पे आगे ये फर्दर यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो ये यहां पे कोई चांस नहीं है कॉन्जुगेशन, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, यहां पे देखते हैं, यहां पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगी। अगर ये ऐसे जाएगा तो यहां पे तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं कि यहां पे कॉन्जुगेशन हो। ओके, तो इन दोनों सिस्टम में तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी, तो जहां पे कॉन्जुगेशन होती तो वहां पे तो स्टेबिलिटी आती। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए और बी है वो मतलब स्टेबिलिटी में आ गए हैं। ओके, बट एक चीज देखो, यहां पे तो स्टेबिलिटी आ रही है, बट यहां पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो कॉन्जुगेशन अगर हो भी रही है तो कोई फायदा नहीं है। ओके, तो यहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो अभी मैंने पढ़ाया कि यहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड तो आना नहीं चाहिए, तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। तो हम क्या चाहते हैं कि अनस्टेबल तो हो नहीं, स्टेबल हो तभी तो रेट फास्ट होगा ना। तो यहां पे तो कॉन्जुगेशन से तो हमारे पास अनस्टेबिलिटी आ रही है, पाई बॉन्ड बन रहा है ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो इसी वजह से कॉन्जुगेशन करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कॉन्जुगेशन होगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये हम चाहते ही नहीं है। तो क्या होगा, यहां पे तो पाई बॉन्ड तो बन रही रहा ब्रिज हेड पे, ठीक है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे बन रहा, तो यहां पे तो स्टेबिलिटी आ रही है, यहां पे तो स्टेबिलिटी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी फोर सिस्टम में से ए जो है मोस्ट क्या है, स्टेबल है, क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन हो रही है। ओके, पाई बॉन्ड बन रहा है, बट यहां पे पाई बॉन्ड क्या है, ब्रिज हेड पोजीशंस के साथ नहीं बन रहा। ओके, तो इसी वजह से ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इन सभी में से अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो इसका रेट जो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का वो फास्ट होगा। ओके, तो ऑर्डर में तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए सबसे आगे होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं बी सी डी के लिए। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, ओके, अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, इसको ना नेगेटिव चार्ज को रिमूव करो, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं एज अ लोन पेयर ऐसे। ओके, यहां पे लोन पेयर बन सकते हैं। अब ये जो लोन पेयर है ना, यहां पे होती है 1-3 इंटरेक्शन, यहां पे होती है 1-3 इंटरेक्शन। कैसे, 1, 2 एंड 3, दैट इज 1-3 इंटरेक्शन होती है यहां पर। तो 1-3 इंटरेक्शन से क्या होता है कि यहां पर 1-3 इंटरेक्शन का मतलब होता है होमो कॉन्जुगेशन। 1-3 इंटरेक्शन का मतलब होता है होमो कॉन्जुगेशन, मतलब यहां पे कॉन्जुगेशन वर्ड तो आया ना, मतलब यहां पे कॉन्जुगेशन हो रही है। ओके, तो अगर कॉन्जुगेशन होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो इसी वजह से अगर यहां पे होमो कॉन्जुगेशन है तो यहां पे आएगी स्टेबिलिटी। तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो अगर सिस्टम स्टेबल है तो इन दोनों में से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो इसका रेट फास्ट होगा इन दोनों में से। तो हम कह सकते हैं ए के बाद आएगा हमारे पास सी। ओके, आपने याद रखना है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम दे रखा है वहां पे क्या हो सकती है, 1-3 इंटरेक्शन, और 1-3 इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, होमो कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन आ गया मतलब स्टेबिलिटी आ गई। ओके, उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। बात करते हैं बी और डी के बीच में। अब देखो नेगेटिव चार्ज ने खत्म होना, जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी रेट फास्ट होगा। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां पे और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, देखो यहां पे जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा, अब आएगा इंडक्टिव इफेक्ट का, और वो भी माइनस आई इफेक्ट का। यहां पे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा जल्दी से, ऐसे अट्रैक्ट करेगा माइनस आई लगा के। ओके, अगर हम बात करते हैं इस पोजीशन में या ये वाली सिस्टम की, तो इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज को खत्म होने के लिए काफी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट।
ओके, ये नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट तो नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जल्दी से लगेगा। तो जितनी जल्दी से माइनस आई इफेक्ट लगेगा उतनी जल्दी से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा और यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं बी जो है ज्यादा स्टेबल है डी से। तो अगर बी ज्यादा स्टेबल है डी से तो इसका रेट भी फास्ट होगा डी से। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, तो ऐसे हमने कंसेप्ट लगा के सोल्व करना क्वेश्चन को। ओके, सिंपल क्या करना, अगर ऐसा कोई सिस्टम दे रखा होगा, नॉर्बेन सिस्टम ऐसा कुछ दे रखा होगा, वहां पे चाहे आपको रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन आए, चाहे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, ओके, तो वहां पे हमने चेक करना कि कैसे ना कैसे करके स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर वो सिस्टम स्टेबिलिटी स्टेबल होगा नॉर्बेन, तो कैसा भी क्वेश्चन आए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ओके स्टेबिलिटी पे आए, तो हमने बोलना है कि जितनी जल्दी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी उतनी ज्यादा उसका रेट या वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यहां पे ये ब्रेड्स रूल खत्म होता है, इतने क्वेश्चंस काफी होंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपके सभी कंसेप्ट अब क्लियर होंगे होंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।